ठीक है, देखना ब्लर नहीं हो इमेज। उजैफा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं आप बताइए? आयशा आप बताए, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? आप बताइए जरा। ये तो पढ़ चुके हैं ना। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है कॉन्केव मिरर और दूसरा कहलाता है कॉन्वेक्स। फिर बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है किसी होलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, इस पर तफसील से बात हमने एक वीडियो में भी की है, फिर दोबारा रिपीट भी किया था उसे जब आप आए थे। इस तरह से था ना, वो ये होलो स्फीयर का ग्लास पीस है। अगर आप इसके अंदर की तरफ पेंट कर दें, अंदरूनी साइड पर, इनर सरफेस पर पेंट कर दें, तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरह मज़दा गाड़ियों के आईने देखे आप लोगों ने, इस तरह से निकले होते हैं मज़दा गाड़ियों के आईने, यानी इस तरह की पोजिशन होती है। ओके, तो बहरहाल ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। अगर आउटर सरफेस पे पेंट कर दें तो अंदरूनी सतह चमकदार हो जाएगी, तो फिर उसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर, जिस पे अभी गुफ्तगू भी हमने की थी। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है, याद रखिएगा। अब इसके जरिए इमेज कहाँ बनती है, तो याद रहे कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कितने ही फासले पर रखें, चाहे बहुत दूर रखें चाहे बहुत करीब रखें, उसकी इमेज हमेशा आईने के अंदर बनती है, बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। आईने के अंदर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कहाँ पर बनेगी? जो मिरर का सेंटर होगा पोल और फोकस होगा उसके अंदर कहीं भी बनेगी, ये उसकी पोजीशन होगी। यानी इसका मतलब है कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कभी चेंज नहीं होती, वो एक फास फासले के अंदर बनती है। नोट करें, ले ऐसे डायग्राम बनानी पड़ेगी, इसमें आपको डायग्राम बनाए पहले इस तरह से, इसमें साफ सुथरी डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ करनी है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कहलाती है, आप जानते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो आपको याद है यहाँ पे हमने पॉइंट लिए थे फोकस और 2F। तो यहाँ देखिए, ये डेट इज फोकस और उसके बाद जितने ही फासले पर क्या लेंगे 2F, और वही मामला यहाँ पर होगा, फोकस होगा और क्या होगा बोलिए 2F। तो याद रखिएगा, फोकस और 2F दोनों तरफ बना सकते हैं आप, इनसाइड भी बना सकते हैं और आउटसाइड भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लें, आप कहीं भी रख लें ऑब्जेक्ट को। मिसाल के तौर पर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेता हूँ, सपोज इस पोजीशन पर, दिस इज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसकी इमेज हासिल करने के लिए कितनी रेस चाहिए होंगी बोलिए? 2 रेस। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, देखिए ज़रा तवज्जो रहे, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कॉन्केव मिरर में बाहर की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और फोकस से पास होती है, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है इसमें क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी रे। क्या हो जाएगी ये रे? इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी बजाय फोकस होने के। हाँ, अलबत्ता अगर इसको पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें, देखिए अब डायग्राम सही नहीं बन पाई, इसको कहाँ रिप्रोड्यूस करें? पीछे की तरफ, तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये इस तरह का मामला होगा, इज दैट क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी वो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, लेकिन अगर पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें तो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। आपने और किया, और उसके बाद दूसरी रे हमने कौन सी ली थी याद करें? एक दूसरी रे भी ले लेते हैं, बना लें इसको डायग्राम को, पहले डायग्राम को मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। एक ये क्या कहलाता है बताइए? इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी रे ले जो कि ठीक यहाँ से 2F पर जा रही हो, तवज्जो रहे, यानी ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से पास होनी चाहिए? 2F से। ये यहाँ से पास होनी चाहिए, तो देखिए ये रे भी फैल जाएगी और दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट करेंगे। इस पॉइंट पर देखिए, फिर से और कीजिए, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जो डाइवर्ज होकर ऊपर चली गई, पीछे की तरफ व्यू प्रोड्यूस किया तो फोकस से पास होगी, एक रे आपने सीधी ली जो कि 2F से पास हो रही है।
तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों रेस कहाँ मीट कर रही है, गौर कीजिए, इस पॉइंट पर मीट कर रही है अंदर की तरफ, यहाँ रेस मीट कर रही है, तो इमेज यहाँ बनेगी और इस इमेज को आप इस तरह से बनाइए, इस तरह से, दैट इज इमेज, दिस इज योर इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए जो इमेज बन रही है, बताइए क्या ये रियल है या वर्चुअल है, आईने के अंदर बन रही है, बाहर नहीं बन रही, तो दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और साइज में जिस्म से छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है। तो लिखें इन कॉन्वेक्स, इन केस ऑफ, इन एनी केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन एनी केस कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। यानी फिर से नोट कर लें कि जब आप कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाते हैं तो आपने दो रेस ली, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेंगे तो फोकस से पास होगी, और एक रे ली जो आपने सीधी कहाँ से पास हो रही है, तस्वुर करें 2F से, 2F पर जा रही है सीधी, तो जिस रास्ते पर जाएगी उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पर दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही है जहाँ पर इमेज बनेगी, तो दिस इज़ योर इमेज। चूंकि ये आईने के अंदर बन रही है लिहाजा ये वर्चुअल इमेज है, और ये इरेक्ट होती है, और साइज़ में छोटी है, और ये पोल और फोकस के अंदर बन रही है, तो साइज़ भी आ गया, पोजिशन भी आ गई, और नेचर भी आ गई। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, किसी भी फासले पर रखें, हमेशा उसकी इमेज इसके अंदर कहीं बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी हमेशा, कॉनकेव मिरर की तरह इसमें केसेस चेंज नहीं होंगे। Is that clear? ये नोट कर लीजिए।